हे एवरीवन, वेलकम टू लवली केक। सो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हाफ केजी केक कैलेंडर थीम के साथ। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर स्पॉन्ज बेक कर लिया था और हमने इसे क्रम कोट करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब हम इस पर फाइनल आइसिंग करेंगे। तो मैंने वाइट कलर से फाइनल आइसिंग की है, उसके बाद मैंने डार्क पिंक और लाइट पिंक का यूज़ करके इस पर शेड किया है फाइनल आइसिंग के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारी फाइनल आइसिंग रेडी है। और अब हम सिल्वर डस्ट का यूज़ करके थोड़ा शाइनी इफेक्ट देंगे इस पर। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे आर्टिफिशियल रोजेस के साथ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रोजेस के नीचे टूथपिक लगा ली है, जिससे कि हमें केक पर इसे इंसर्ट करने में ईजी रहेगा। तो क्लाइंट ने मुझे जैसी इमेज भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फ्लावर्स को यहाँ पर अरेंज किया है और फिर हमने इसमें जिप्सी फ्लावर्स का भी यूज़ किया है। सो क्लाइंट ने मुझे इमेज भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर फ्लावर्स और जिप्सी फ्लावर्स लगाए हैं। अब हम यहाँ पर वाइट पर्ल्स भी इस केक में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल और मीडियम साइज़ के वाइट पर्ल्स लगाए हैं इस केक में। और इस केक को मैंने 12 इंच बोर्ड पर फिक्स किया है, क्योंकि अभी साइड में कैलेंडर भी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं कैलेंडर। वाइट फोंडेंट का यूज़ करके मैंने एक रेक्टेंगल शेप की शीट कट कर ली है। इसके ऊपर हमें जून का कैलेंडर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर जेल कलर का यूज़ करके मैंने यहाँ पर जून का कैलेंडर बना लिया है। और इस जून के कैलेंडर में हमें 26 नंबर को हाईलाइट करना था, जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। रेडी है हमारा कैलेंडर और इसे मैंने वाटर की हेल्प से इस केक बोर्ड पर फिक्स कर दिया है। और साथ ही फोंडेंट का यूज़ करके हैप्पी बर्थडे और बर्थडे गर्ल नेम भी लिखा है। और कैंडल के लिए यहाँ पर हमने क्यूट स्टैंड भी बनाया है। और अब हम रियल फ्लावर्स का यूज़ करेंगे इस केक में। तो देखिए, यहाँ पर दो रियल रोजेस का यूज़ किया है सेलो टेप से, इसे हमने बोर्ड पर स्टिक कर दिया है। और रेडी है हमारा केक। और इस केक का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्लाइंट को भी ये केक बहुत पसंद आया है। और आपको ये केक कैसा लगा है, इसका लुक कैसा लगा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पैक करते हैं इस केक को। 12 इंच बॉक्स में इस केक को पैक किया है। और पैक करते टाइम मैंने इसमें यहाँ पर जो कैंडल हमने लगाई थी ना, उसे रिमूव कर दिया है। उसे बॉक्स के साथ ही हमने दिया है अलग से। तो इस तरीके से रेडी है हमारा केक फॉर डिलीवरी। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।